का ओपन कर देता हूँ। ऑल राइट, हाँ तो जी बैड न्यूज़ है, वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो आज हम लोग निकल रहे कश्मीर के लिए, लद्दाख सीरीज यहीं पे बंद हो रही है। इसका रीज़न ये है बिकॉज आविस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम लोग 3 दिन से ले सिटी में ही रुके और 3 दिन से इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया कि आप हाई एल्टीट्यूड पर ना जाए। और लद्दाख में लगभग हर ही जगह, खाली ले सिटी को छोड़ के, हर जगह हायर एल्टीट्यूड पे, और अगर हाई एल्टीट्यूड पे हम जा नहीं सकते तो यहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए आज हम लोग कश्मीर के लिए निकल रहे। आज हम कश्मीर नहीं पहुँच पाएंगे, आज हम लोग शायद से कारगिल तक ही पहुँच पाएंगे, कल हम लोग पहुँचेंगे कश्मीर तक। और हाँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कमज़ोर है या फिर बीमार रहते हैं या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप श्रीनगर वाले रूट से आए, ना कि मनाली वाले रूट से। बिकॉज श्रीनगर वाले रूट से क्या होता है, आप धीरे धीरे हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो, और मनाली वाले रूट से आप एकदम ही हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हो तो वहाँ आपको सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही चीज़ आवेश के साथ हुई है। एंड सॉरी जिसने मुझे लद्दाख सीरीज के लिए सब्सक्राइब किया था, अगर आपको लद्दाख सीरीज ही देखनी है तो मैं 7 महीने पहले लद्दाख गया था, तो उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली वासी को जाके देख सकते हो। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस मौसम में हल्का सा डिफरेंस है, बाकी हर जगह तो आपको लगभग सेम ही दिखेगी। एंड ऑल राइट, तो अभी वक्त हो गया सुबह के 10, तो अभी निकलते हैं कारगिल के लिए। ऑल राइट, वी आर रेडी टू लीव नाउ। और ये वो गेस्ट हाउस का कार्ड है जहाँ हम लोग रहे हैं, एंड दिस इज दिस गेस्ट हाउस। आप वीडियो स्टॉप करके आप इस कार्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ये है वो अंकल, बहुत अच्छा ख्याल रखा इन्होंने हमारा। तो एक बार जरूर लद्दाख आओगे, ले सिटी आओगे, तो जरूर इस गेस्ट हाउस को एक बार विजिट करना, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है। हाँ, चेन टाइट करानी पड़ेगी, बहुत ढीली चेन। ओके सर, गुड बाय लद्दाख, एंड दिस टाइम फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। इस बार मैंने सोच लिया कि अगली बार जब भी मैं लद्दाख आऊँगा, 4 या फिर 5 साल बीत चुके होंगे, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो अगेन डू चेक आउट माई प्रीवियस लद्दाख सीरीज अगर आपको लद्दाख देखना है मेरे नज़रिए से। तो कारगिल लेह सिटी से कुछ है 240 किलोमीटर, और रास्ते में हमें खाली एक ही पास पड़ने वाला है इस बार, और कारगिल के बाद हमें एक पास पड़ेगा यानी कि वोजिला पास। और वोजिला पास से कुछ अराउंड 300 किलोमीटर कुछ है। अगर आपने नोटिस किया होगा हमारा लेफ्ट मिडल को, तो ये टूट चुका है। लेह सिटी में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी में लेफ्ट मिडल टूट गया और उसकी ग्रिप चली गई, अभी बहुत दिक्कत दे रहा है ये मिडल। कारगिल तक का रूट बहुत सिंपल है, इनफैक्ट सोनमार्ग तक का रूट बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ कंटिन्यू करना है NH1 हाईवे को, जो कि एकदम सीधा रोड है, आपको कहीं भी लेफ्ट या फिर राइट नहीं लेना है। ले से कारगिल के बीच में खाली खास्ते में आपको एक मार्केट प्लेस मिलेगा, तो आपको अगर कोई भी जरूरत का सामान वगैरह खरीदना हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना हो या फिर मेडिसिन वगैरह लेना हो तो खास्ते में ले लेना, बिकॉज खास्ते के आके आपको कोई भी मार्केट नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी लद्दाख में बहुत आर्मी बेस कैंप है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत दूरी दूरी पे है। So we have entered Kargil district quite a while ago. Right now we are एक गांव का नाम है मुलबेक, एंड रस्ते में हमें नामीकाला भी पड़ा था। नामीकाला एक व्यू पॉइंट का नाम है, बट इट वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग देयर। वैसा व्यू तो मेरे हिसाब से आपको हर जगह से दिख जाएगा यहाँ से। एंड यहाँ से कारगिल कुछ अराउंड 46 किलोमीटर है। ऑल्दो हम लोग इस बार लद्दाख में जो जो जगह है बच गए तो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट इस बार कश्मीर जरूर एक्सप्लोर करेंगे। कुछ कुछ जगह है कश्मीर में जहाँ मैं जाना चाहता था, बट कोई ना कोई रीजन से दोनों बार जा नहीं पाया, बट इस बार जाएंगे। सो वी हैव एंटर्ड कारगिल टाउन, और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल है। अब तक ले के बाद जितने भी हम लोग जगह देखी है सब ऐसा लगा था ज़ॉम्बी लैंड है, कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे। अभी फिलहाल हम लोग श्रीनगर वाले रूट से आगे बढ़े,
बिकॉज अभी 5 ही बजे और अभी भी हमारे में बहुत एनर्जी है, तो द्रास तक तो हम जा ही सकते हैं, कुछ 60 किलोमीटर ही है। तो वी हैव रीच्ड द्रास, कुछ आधे घंटे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और बीच का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ठंड इतनी बढ़ गई थी और उसी में मेरी GoPro की बैटरी ख़राब हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ठंड बढ़ जाती है ना तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स साथ छोड़ देती है, तो अभी फिलहाल पूरी रात मुझे अपने GoPro को गर्माहट देनी पड़ेगी। एंड भाई बहुत अच्छा हो कि हम लोग द्रास में देखा, बिकॉज कुछ राइडर श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि श्रीनगर के रूट में आगे बारिश भी हो रही है एंड स्नोफॉल भी हो रही है, वो भी यू टर्न मार के अभी द्रास में आए, तो वेदर कंडीशन आगे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिलहाल यही से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाहर वेदर आगे वेदर कंडीशन कैसी होगी, पूरा माउंटेन फॉग में चले गया। एंड यहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बिकॉज आसपास हमारे चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेंस है। वहाँ देखो एक बार पूरा 360 व्यू दिखा देता हूँ, हर जगह सिर्फ फॉग ही फॉग है। सीनरी तो काफ़ी ब्यूटीफुल है बट ठंड काफ़ी ज़्यादा है। एंड दैट्स इट फॉर द डे, कल हम लोग कश्मीर पहुँच जाएंगे। एंड फिलहाल हम देखना पड़ेगा कि हम सोनमार्ग रुकेंगे कि श्रीनगर रुकेंगे। एंड सो जाते हैं अभी। ऑलराइट जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास, और यह है हमारी छोटी सी कुटिया। और लगभग द्रास में सभी होटल आपको इतने ही छोटे मिलेंगे, अगर आपको बड़े होटल्स चाहिए थोड़े लग्जरियस टाइप के तो आपको कारगिल के साइड जाना पड़ेगा, अब द्रास में तो ऐसा ही है। और फिलहाल हम लोग होटल्स पे ज़्यादा खर्चा करते भी नहीं है बिकॉज हमें सिर्फ एक रात गुजारनी है, हमें यहाँ पे रहना तो है नहीं, बस एक छत मिल जाए और गर्म कमरा मिल जाए, बस और क्या चाहिए हमें। तो अभी वक्त होता है सुबह के 9, तो सबसे पहले अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से जोजिला पास के लिए सबसे पहले। ऑलराइट जी, तो अभी हमारा खाना वगैरह सब खा के हो चुका है, बट अभी हमें द्रास से 3 किलोमीटर और पीछे आना पड़ेगा बिकॉज गाड़ी में अभी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और आगे सोनमार्ग तक कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। ये सामने जो सीनरी है ना एकदम स्विट्जरलैंड की लग रही है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, फिर थोड़े से घर और जो घर की बनावट है वो जो कारगिल और द्रास के बीच का जो पैच है ना एकदम स्विट्जरलैंड वाली जगह लगती है वो। हमने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे हमें कोई होटल मिल जाए बट वहाँ पे सबके पर्सनल घर थे, कोई होटल नहीं था, वरना वहाँ पे होटल मिल जाता ना यार मज़ा आ जाती। द्रास इज द सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कल मैं एक ATM में गया था पैसे निकालने, अब तक का सबसे खूबसूरत ATM मैंने कहीं देखा है तो वही है, पूरा पहाड़ था, पहाड़ के बीचों बीच एक ATM। कल रात को हमने बहुत डिस्कशन किया आज के प्लान के लिए, फिर हमने फाइनलाइज किया कि हम जाएंगे सोनमार्ग, सिर्फ शाम तक हम सोनमार्ग में रहेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए। हम कैंपिंग कर नहीं सकते बिकॉज हमारा जो भी इलेक्ट्रिक यंत्र है वो चार्ज नहीं है और ना ही हमारा पावर बैंक चार्ज है, तो एक दिन होटल में रुकेंगे, सब चार्ज करेंगे, फिर अगले दिन कैंपिंग करेंगे। यहाँ पे जोजिला ट्रेन का भी काम चल रहा है, ये काम फिलहाल बहुत टाइम से चालू है, अब तक मेरे हिसाब से बस 30% ही कम्प्लीट हुआ है। तो ट्रेन जब बन जाएगा ना बहुत हेल्पफुल होगा लोगों को। हमने कहा था ना कि जोजिला पास वाला रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है और लेटेस्ट में यहाँ पे बारिश हुई है तो पूरा रोड कीचड़ में भर गया है, गाड़ी भी बहुत स्लिप हो रही है, यही से निकालना पड़ेगा अब। यहाँ के वर्कर्स को मानना पड़ेगा भाई, इतनी ठंड में भी रोड का काम कर रहे, सल्यूट है इनको भी। जो बात, मेरे ख्याल से बीच में रोड पे काम होना बंद हो गया था बिकॉज पिछली बार जब मैं आया था ना तब भी रोड इतना ही बना था। लोग वहां पे स्कीइंग कर रहे हैं देखना, स्कीइंग कर रहे हैं लोग, GoPro में शायद से नहीं दिख रहा होगा। यू आर एट जोजिला पास, एल्टीट्यूड
11,649 फीट। दिस इज जोजिला पास, और पीछे वेदर देख सकते हो, हर जगह एकदम चिलिंग वेदर है, बहुत ठंड लग रही है मुझे। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए थे, बिकॉज पिछली बार हम लोग शायद से पेंगोंग से आ रहे थे, पेंगोंग से हम लोग जाए थे श्रीनगर, उस दिन हम लोग कारगिल में रुके थे वैसे, फिर कारगिल से हम लोग श्रीनगर गए थे, और पिछली बार इतना खूबसूरत भी नहीं था जो कि अब है। वंस अगेन चेक आउट द व्यू मैन, क्रेजी व्यू। मैं फॉग में शायद से अभी थोड़ा, मेरे लेंस में शायद से अभी थोड़ा फॉग जम चुका है। हाँ ऑल राइट, तो अभी यहाँ पे थोड़े फोटोज वगैरह खींचते और फिर यहाँ से निकलते, बिकॉज सोनमार्ग इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि जोजिला पास के लिए भी वॉर हुई थी, सो दिस होल प्लेस इज वेरी कॉस्टली, बिकॉज नथिंग इज मोर प्रीशियस देन लाइफ। एंड यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर आगे जोजिला पास मेमोरियल है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक बार मेमोरियल भी विजिट करना, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि किन किन लोगों की वजह से हमें ये जगह मिली है। नाउ लेट्स गो। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो कश्मीर की एक बहुत फेमस ट्रैक है द ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर, उसमें कुछ टोटल 7 लेक्स हैं, बट हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है। टोटल कुछ 28 किलोमीटर की ट्रैक है वो, और पूरी ट्रैक खड़ी चढ़ान है। सिर्फ आप जब गंगा बाल के आगे जाओगे तब आपको थोड़ी सटीक जमीन मिलेगी चलने के लिए, एंड वो ट्रैक आप सोनमार्ग से भी जा सकते हो एंड आरू वैली से भी जा सकते हो। बहुत ज़्यादा जाम हो गया है, आई थिंक आगे लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि आपको चेकपोस्ट भी नहीं है। हाँ लैंडस्लाइड हुई आगे, आराम से आधा घंटा फुर्सत है मेरे हिसाब से। ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइड नहीं थी इसलिए 15 मिनट में क्लियर हो गई। This is the place. This is one of the favorite place in Sonmark. जब भी हम सोनमार्ग विजिट करते हैं ना तो इस प्लेस पे थोड़ी देर जरूर टाइम स्पेंड करते हैं। Have a 360 view. कमाल की जगह है नहीं? हाँ तो थोड़ा आगे के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन व्यू के साथ में। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो यहाँ पे हम लोग 4 या फिर 5 बजे तक और रुकेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर के लिए, और श्रीनगर यहाँ से कुछ 89 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग आराम से टाइम स्पेंड करके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे अभी हल्की फुल्की बारिश की बौछारें आना भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक कैंपिंग की साइट है, अगर आप देखोगे वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, बट ये पब्लिक नहीं है, ये किसी की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ बकरियाँ चल रही है, तो ये जगह वो बकरी पालने वाले की है, बट अगर आप उसको पूछोगे ना तो मेरे हिसाब से आपको टेंट लगाने दे देगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ तो हम लोग यहाँ पे कुछ आधा घंटा थे, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और देख लो भाई साथ में हम लोग ने सब कचरा लेके जा रहे हैं। कचरा यार नेचर में कभी कचरा मत फैलाया करो, शहर में तो चलो साफ़ करने वाले आ जाते बट यहाँ कोई नहीं आता साफ़ करने के लिए, यहाँ पर सिर्फ कचरा जमा होते रहता है, साफ़ नहीं होता। इसलिए जहाँ भी जाओ कैंपिंग करो कुछ भी करो साथ में कचरा अपना लेके चलो। नाउ वी आर हेडिंग टू श्रीनगर। भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए श्रीनगर लाल चौक,
और होटल ढूंढने में भाई बहुत बहुत वक्त लग गया हमें। वैसे जिस होटल में हम लोग हर बार जाते हैं, हम वहाँ गए थे बट वो फुल था, और सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे जो भी होटल थे सब फुल है बिकॉज एकदम पीक सीजन चल रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग लद्दाख से आ रहे हैं, और ज़्यादा का जो भी है सब बाइकर्स है, और लद्दाख का तो भाई बहुत पीक सीजन चल रहा है, हमें बहुत राइडर्स दिखे पूरे रस्ते भर। एंड फिलहाल मैं अपना डेटा वगैरह कॉपी कर रहा था ताकि कल का व्लॉग मैं और भी अच्छे तरीके से शूट कर पाऊँ, और कल वैसे हम लोग करेंगे कैंपिंग। कैंपिंग कहाँ करेंगे अब तक हम लोग ने परफेक्टली डिसाइड नहीं किया है, वैसे अगर हम लोग वक्त पे डिसाइड नहीं कर पाए तो हम शायद से पहलगाम में कैंपिंग करेंगे बिकॉज वही एक जगह है जो हमें अच्छे से पता है। एंड दैट्स इट, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड।